बिहार की खबरों की और बात करेंगे, लेकिन इस वक्त झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी में शामिल होने की खबरें सामने आ रही है। तो इस वक्त बड़ी खबर झारखंड से सामने आई है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इन सब के बीच आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही है। हमारी संवाददाता रुचि हमारे साथ जुड़ गई है। रुचि, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उस चुनाव का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, हालांकि बीजेपी में शामिल होने की खबरें भी सामने आ रही है। क्या कुछ सच्चाई निकलकर सामने आ रही है? देखिए अभिनेता, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और जो अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं, जो झारखंड से प्रदेश प्रभारी हैं, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो कहे तो अब 50% जो है वो अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से जो अपना सदस्यता है उससे इस्तीफा दे दिया है। इसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा है। तो कह सकते हैं कि अब जा करके जो ये सूत्रों की खबर थी उस पर मुहर लग रही है, और कहीं ना कहीं जो है अपने ट्विटर अकाउंट से भी उन्होंने ये बातें साझा की थी, और इससे प्रतीत हो रहा था कि कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं आरपीएन सिंह और में के गृहमंत्री भी रह चुके हैं, तो वो जल्द ही कांग्रेस से इस्तीफा देंगे। तो अब वो बातें इसकी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अब देर शाम जो है अमित शाह के साथ उनकी बैठक होने वाली है और उसके बाद जो है वो भाजपा में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं यूपी चुनाव में एक तरफ कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो तमाम वरीय नेता हैं वो यूपी चुनाव में पूरे दमखम से लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ इनका जो स्टार प्रचारक के रूप में आरपीएन सिंह बिल्कुल रुचि, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि स्टार प्रचारकों की सूची में इनका नाम भी शामिल था, और ऐसे में चुनाव से पहले इनका इस्तीफा वाकई कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।